क्रियाकलाप पाँच तीस किलोग्राम का कोई पिंड पाँच मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराया जाता है निम्नलिखित सारणी के अनुसार प्रत्येक स्थिति में स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा की गणना करके सारणी भरें g इज इक्वल टू नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर गति के समीकरण की सहायता से भिन्न भिन्न ऊंचाइयों पर वेग ज्ञात करें यदि ऊपर दिए गए क्रियाकलाप के निष्कर्षों को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि प्रत्येक स्थिति में पिंड की कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है विचार विमर्श करें यदि प्रकृति में ऊर्जा रूपांतरण संभव नहीं होता तो क्या होता एक मत के अनुसार ऊर्जा रूपांतरण के बिना जीवन संभव नहीं हो पाता क्या आप इससे सहमत हैं समूह में करें एम द्रव्यमान का एक व्यक्ति 10 मीटर की ऊंचाई से पानी में कूदता है चित्र क्रमांक 18 यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम का उपयोग कर व्यक्ति का वेग ज्ञात करें जब वह पानी की सतह से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो